क्या बोल रहे हैं? मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ईशा का एंड हो रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सुमेध हमारा बहुत प्यार से सेट पे एक अलग आवाज़ निकाल के बात करता था, अभी भी करता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आवाज़, ये टैलेंट सब लोग को पता चले, और स्पेशली तो मेरे लिए वो आवाज़ निकाल के मुझे कुछ बोलते अच्छा बोलना। हाँ जी, बट मेरी ऐसी उनकी आवाज़ है तो सब कुछ होनी है। हाँ, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही बोलता हूँ, तो जनरली कभी कभी सीन में हम लोग बात करते हैं और पीछे म्यूजिक चलना होता है, तो हमारी बातें सुनाई नहीं देती हैं, तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। क्या मैं मुझने कहाँ से आया तू, क्या चलता है तेरा, तो ऐसे में कुछ आवाज़ें निकालते रहता हूँ। नहीं असत, मैं मना नहीं पन बोलता हूँ, कसना बोला जी पद्धत नीचे, बाकी बोलूँ मैं कहीं सकता हूँ, कुछ नहीं भाषा बोलू सकता हूँ। आई नहीं, तूना कहीं गलत नहीं, मना मानती है। आई होप ये जो भी इसने बोला है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग को समझ में आया। अगर मैं बोल भी दूँ तो भी मैं नाटक कैसे करूँ। ठीक है, जो भी इसने बोला, आई होप आप लोग को समझ में, और प्लीज मुझे थैंक यू बोलना कि मैंने इसको रिक्वेस्ट किया था आप लोग को बताने के लिए। मेरी तरफ से भी थैंक यू प्रतिभा, मेरा टैलेंट शोकेस करने के लिए। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये जर्नी, क्योंकि मुझे अभी भी हमारा फर्स्ट डे याद है, जिस दिन हम लोगों ने मॉक शूट किया था, उस दिन इसके साथ दो दो इशिका थी, और इस बेचारे को दो दो इशिका के साथ रोमांस करना था, और उस दिन हमारी बहुत एक रोमांटिक सीन थी, जिसमें पेपर्स उड़ रहे हैं, तू ये हाथ देता है, उसके हाथ लुक लुक जाता है, तो मुझे अभी भी वो सीन याद है, हम लोगों ने किया था उसके बाद से अभी था तक, वो सीन, अरे बाप। हाँ, उसके बाद से अभी तक का जितना भी सीन है ना, ऑनेस्टली हमारे जो डायरेक्टर थे विक्रम सर, मैंने हम दोनों ने उनके साथ बहुत एंजॉय किया। वो एकदम करके बताते थे कि कैसे राघव को कैसे एक्टिंग करना है। हमारा मुझे मेरा वो एक सीन बहुत फेवरेट है, जिसमें हम लोगों ने मैंने प्यार किया का, हम लोग वीडियो देख रहे थे, अरे यार ऐसा करना है, ऐसा करना है, अरे यार ऐसा करना है, ऐसा करना है, सर हम लोग को सुना रहे, देख देख ऐसा करना है, तो वो सीन फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा जब टीवी पे आया, और उसके जितने भी एडिट्स हमारे सपोर्टर्स ने बनाए हैं वो मैंने अपने फ़ोन में सेव करके रखा है, वो मुझे इतना अच्छा लगा, वो सीन का एडिट्स की तरह मुझे शायद कोई भी सीन का इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे उस सीन का लगा था, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत मिस करूँगी। मैं मतलब जिस जिसको एज बड़ा मानते हूँ, उन्होंने आज तक यही कहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो बस किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों ने रोना चाहिए। बस हाँ, रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम सब लोगों के साथ, ये बात तो है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं हमें। मुझे अगर मैं पर्सनली कहूँ तो शांतनु महेश्वरी, वृषिका मेहता एंड मेनी ऑफ दी अदर गाइज, एज वेल एज लाइक एवरी वन हियर इंस्पायर्स मी अ लॉट। आप, मैं बोलना चाहता हूँ कि कैमरा के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं, हम दोनों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ ये चीज़ें, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लोग स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं। स्पेशली स्पेशल थैंक्स मेकअप दादा, हेयर, हाँ वो तो है, वो तो है, मेकअप दादा, हेयर, वो तो नॉर्मल है, बट एक हाँ उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स, हाँ उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स, और स्पेशल से भी स्पेशल थैंक्स विक्रम सर के लिए, हमारे डायरेक्टर सर विक्रम लाभे, जिन्होंने राघव को फ्लर्ट करना सिखाया, इशिका को रोना सिखाया। मुझे रोना मुझे पहले से आता था। हाँ ऐसे चलो सो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो आज अगर कोई बोलता है कि हमें वी आर ईशवियंस लाइक वी लव ईशव, तो वो उन्हीं की वजह से ऐसा मुझे लगता है। एंड हम लोग अपने लाइफ में विक्रम सर का इतना टाइम जो हमारे ऊपर सर ने क्या बोलूँ वेस्ट किया वेस्ट नहीं जो हाँ नहीं है एक्चुअली वेस्ट नहीं किया एक्चुअली हम लोग, हमें फील होता है कि हाँ हम लोग फर्स्ट डे में कैसे थे और अभी कैसे, तो ये सब सबकी वजह मैं सिर्फ विक्रम सर को दूंगी। उनके तरह ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं था जो हम लोगों को बोलता था अरे क्या कर रहा है, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ा और अच्छा हो सकता है क्या, वो मतलब ऐसे डायरेक्टर है जो डांट के नहीं, मतलब डांटते भी है तो ऐसा लगता है कि पापा डांट रहे हैं, मतलब वो ऐसे समझाते हैं, मतलब
मैं मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स ही नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए. इन प्रैक्टिकल वर्ड्स शी जस्ट मींस कि वो हर एक बंदे में से टैलेंट जितना भी होता है वो निकालते Actually, उसको सिखाते हैं एक्टिंग कैसी है. लाइक बहुत से लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं वो बस यहाँ पे आते हैं काम करते हैं काम से काम रखते निकल जाते हैं. बट दे ऑलवेज थॉट कि हम लोग आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, खुद के दम पे करेंगे तो कैसे करेंगे. और उस हिसाब से जितने भी दिन वो हमारे साथ थे उन्होंने जितना भी हमें सिखाया हम लोग यहाँ तक थे. और जैसे ही वो हमें मतलब जैसे ही उन्होंने शो छोड़ा तो हम लोग ऐसे नीचे गिरने लगे थोड़ा 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 थोड़ा, फिर सीखने लगे कि सर ऐसा क्यों करते थे वैसा क्यों करते थे. आज जो भी हम लोग उन्हीं की वजह से एक्टिंग में ये थैंक्स तो बनता ही था तो इसलिए हमने वो बोला. सेकंड थिंग ये कि हाँ आई एम अ बिट सैड बट उससे ज़्यादा मैं सैडनेस रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सैड होके सभी लोग रोएंगे. मुझे पर्सनली ऐसा कुछ पसंद नहीं. उससे अच्छा कि जब भी मुझे किसी की याद आए मैं फ़ोन करूँगा जाके मिलूँगा जो भी है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो किसी कहीं भी जाके पार्टी कर रहा हो, मैं सबसे मिलूँगा सबसे कॉन्टैक्ट रखूँगा. एंड आई होप कि आप भी ऐसा ही करें और खुश रहे. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये शो के बाद ऑफकोर्स ऊपर वाला है हमारा, वो बैठा हुआ है, वो हम सबके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है. ऑफकोर्स मेरे लिए भी बहुत अच्छा सोच के रखा है, तेरे लिए भी बहुत अच्छा सोच के रखा और है और ऑफकोर्स सभी के लिए अच्छा सोच के रखा है. हाँ और और आई होप कि हम लोग कभी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या जो हम लोग बनना चाहते हैं वो बन के इन फ्यूचर मिले और हम लोग बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करें, बहुत मस्ती करें. गाइज thank you so much for all your love and all your support. We hope that we keep entertaining you like this throughout our lives. Thank you so much. मुझे एक स्पेशल थैंक्स अक्षा को बोलना है. आज उसके वजह से हमारे फैंस हमारे सपोर्टर्स हम तक कनेक्ट हो रहे हैं, गिफ्ट्स उनको भेजी जाती है वो हम तक पहुँचाते हैं, तो उसको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ. और बाकी आप लोग को थैंक यू सो मच. बट श्योर हम लोग फिर मिलेंगे, हम दोनों का साथ में इंटरव्यू होगा, नहीं होगा तो अक्षा को आप लोग परेशान करके रख देना.